तो जैसे कि हम बात कर रहे थे इंटीग्रेटिंग पार्शियल फ्रैक्शंस विद रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के ऊपर, हमने बोला जी कि लेट से अगर आपके पास ये एक गिवन फ्रैक्शन है जिसके हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में जिस पे को हमने कन्वर्ट किया, पूरा प्रोसेस हमने डिफाइन किया प्रीवियस वीडियो के अंदर, अब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम इसको इंटीग्रेट किस तरह से करेंगे। दैट मीन्स कि चाहे आप इसको इंटीग्रेट कर ले, मैं थोड़ा सा इसको राइट साइड पे ड्रैग करूंगा, चलें इस तरह से, बल्कि ये एक्चुअली लेफ्ट साइड पे हुआ, ठीक है। चलें अब अगर आप देखें तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इसको इंटीग्रेट करना विद डी एक्स साइन, आई मीन विद डी एक्स, या इसको इंटीग्रेट करना विद डी एक्स, ये एक ही बात है, ठीक है, ये एक ही बात है। लेकिन इसको इंटीग्रेट करना आप डेफिनेटली, यानी इसको इस पार्ट को इंटीग्रेट करना कंपेरेटिवली आसान है। करेंगे कैसे इस पे हम बात करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन में आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल पढ़े हैं कि अगर आप एडिशन है, दो तीन फंक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सबकी जो इंटीग्रेशन होगी अलग अलग होगी। मीन के इंटीग्रेशन साइन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ टू आवर एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस थ्री आवर एक्स माइनस वन, सॉरी, फिर इंटीग्रेशन साइन, फिर इंटीग्रेशन साइन थ्री आवर एक्स माइनस वन होल स्क्वेयर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन टू आवर एक्स प्लस वन डी एक्स, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। आप यहाँ पे जो है वो देखें किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूले तो हमारे पास हैं। देखिए हमने पावर फंक्शन में दो फॉर्मूले पढ़े थे इंटीग्रेशन के साथ, कि अगर एक गिवन फंक्शन हो, अगर एक गिवन फंक्शन हो और साथ उसका, सबसे पहले, बल्कि सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि कोफिशियंट जो है, कोफिशियंट जो है वो आप जस्ट एज इट इज बाहर निकाल लेते हैं। तो टू टू इंटेग्रल साइन वन आवर एक्स माइनस वन डी एक्स, वन आवर एक्स माइनस वन डी एक्स, इसी तरह प्लस थ्री आवर इंटीग्रल साइन वन आवर एक्स माइनस वन होल स्क्वेयर डी एक्स, इसी तरह से माइनस टू आवर इंटीग्रल साइन एक्स प्लस वन, सॉरी, वन आवर एक्स प्लस वन, वन आवर एक्स प्लस वन डी एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब किस तरह से इंटीग्रेट होगा, देखें हमें ये पता जी कि अगर अगर यहाँ पे गिवन फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स और डी एक्स के साथ इस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, तो वो किसके होता है, नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होगा, डी एक्स बाई डी एक्स वन, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। तो इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा वन, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा वन, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर नीचे फंक्शन वन आवर एफ ऑफ एक्स है और टाइम्स आपका डेरिवेटिव है, तो दैट मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वन। अभी हम एब्सोल्यूट इनपुट नहीं करेंगे, हम इसकी वैल्यू ही, हम इसको डिफाइन इस तरह से कर देंगे कि हमें एब्सोल्यूट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डोमेन हम इसकी तरह से डिफाइन कर देंगे, प्लस थ्री आवर, अच्छा प्लस थ्री। अभी देखिए जो लोअर फंक्शन है एक्स माइनस वन, इसका डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, एक्स माइनस वन की पावर माइनस टू, माइनस टू, ठीक है, और साथ हमें पता है कि इंटरनल फंक्शन का अगर डेरिवेटिव मौजूद हो डी एक्स के साथ, तो आप पावर फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे हम पावर फार्मूला भी अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव तो हमें मौजूद हुआ नजर आ रहा है, माइनस टू आवर, यहाँ पे देखिए वन आवर एक्स प्लस वन, डेफिनेटली एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव वन होता है, दैट मीन्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन आ गया। अच्छा यहाँ से यहाँ तक तो हमें बात समझ जाती है, ठीक है। अभी एक इंटेग्रल साइन रह गया, उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसको किस तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे। चलें किस तरह से हम इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर लिखेंगे। देखें टू नेचुरल लॉग ऑफ, टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन प्लस थ्री। अब यहाँ पे पावर फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे पावर फार्मूला अप्लाई होगा, वो किस तरह से होगा जी, एक्स माइनस वन की पावर एन प्लस वन, विच मीन्स माइनस टू प्लस वन आवर माइनस टू प्लस वन, आवर माइनस टू प्लस वन, और उसके बाद आ गया माइनस टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन एन प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। आप यहाँ पे चलो इंट्रोड्यूस करा दें प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब अगर आप देखें तो इसको सॉल्व करने पे मजीद बनेगा टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वन प्लस थ्री। ये देखें माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन, तो प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया माइनस, ठीक है, माइनस थ्री आवर आवर एक्स माइनस वन की पावर। देखें माइनस टू प्लस वन की पावर बनती है माइनस वन, जो नीचे आके हो जाएगी प्लस वन, एंड माइनस टू टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन,
x plus 1 plus c. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां पे देखें तो 2 में यहां पे यानी इन दोनों से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, ठीक है, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास बनता है नेचुरल लॉग ऑफ ब्रैकेट में x माइनस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c, सॉरी माइनस 3, ये रह गया माइनस 3 आवर x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट c. दैट मींस जिसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास जो लॉगरिथम है वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हो ओपन फॉर्म में तो आप उनको क्लोज करके डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं. नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 बाय x प्लस 1, ठीक है. और यहाँ पे ब्रैकेट की भी हमें ज़रूरत नहीं थी, अगर हम ब्रैकेट ना भी यूज़ करें, 2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 आवर x प्लस 1 माइनस 3 आवर x माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट c. सो ये इस गिवन फंक्शन की जो हमने स्टार्ट में एक फंक्शन था जिसकी हमने पहले पार्शियल फ्रैक्शन की, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है लेकिन ऑर्गेनाइज है और समझ आती है, इंटीग्रेशन करना आसान हो जाता है, आपके पास वही पावर फंक्शंस बच जाते हैं जिनको आप बड़े आसानी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो इस तरह से वो पार्शियल फ्रैक्शंस जिनके जो फैक्टर्स हैं वो लीनियर हों, रिपीटेड हों, ठीक है, यानी रिपीट कर रहे हों, उनकी आप इस तरीके से इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगेन टॉपिक, ठीक है, उनकी आप इस तरह से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग पार्शियल फ्रैक्शंस विद रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स.